हेलो एवरीवन, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। और मैं आलिया आपके लिए आज एक मैसेज लेके आई हूँ। आई होप कि इस मैसेज से आपको अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के अंदर जो एक फ़र्क है, उस फ़र्क को आप जान सकें। जैसे कि हम अपने वक्त को कैसे बेहतर बनाएं, हमेशा सोचते हैं कि हम अपने वक्त को कैसे बेहतर बनाएं। लेकिन और हम सबको ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा वक्त बिता चुके हैं अपना, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम अपना अच्छा वक्त अगर बिता चुके होते तो हम अपने पास्ट में इतना क्यों झांकते, और हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इतना इनसिक्योर क्यों है। हमेशा हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इनसिक्योर रहते हैं, जबकि हमें रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए रहते हैं क्योंकि हम पास्ट के अंदर झांकते हैं। पास्ट के अंदर हम इतना झांकते हैं कि हम दूसरे के पास के अंदर भी चले जाते हैं, और दूसरे के पास के अंदर जाने के बाद वो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, एक दूसरे के लिए घृणा भाव ये सब बढ़ता है। और ये सब बढ़ने का मतलब है कि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छे से नहीं जी रहे हैं। अगर हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो हमें अपने पास्ट को भूलना होगा, उसमें जिसमें हम अटके हुए हैं उस चीज़ को बिल्कुल भुला के आगे बढ़ना होगा। जैसे कि दुनिया में मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हमारा पास्ट जो था दूसरे के पास से बेहतर है। क्या ये सच है? अगर ये सच था तो 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये क्यों कहा कि चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए? उन्होंने ये क्यों कहा? क्या उन्होंने ये जो कहा उसको लोगों ने फॉलो किया? आज क्या चोरी नहीं होती, या आज के टाइम में क्या झूठ नहीं बोला जाता? तो बोलने को तो झूठ और चोरी ये दोनों काम आज भी होते हैं, और आज भी लोग आपस में एक दूसरे के पास के अंदर इतना घुस जाते हैं, इतना झांकते हैं, और इवन अपने ही पास को नहीं छोड़ते हैं। तो अपने पास को और दूसरे के पास को झांकने से अच्छा है कि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को कितना अच्छा बना सकते हैं, या उसके बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं, हम ये भी तो कोशिश कर सकते हैं ना। तो चलिए आइए, अब हम सबके पास को भुलाते हैं और अपने खुद के पास को भी भुलाते हैं, और बढ़ते हैं अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए, और अपने इस अच्छे फ्यूचर को बेहतर बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये मैसेज पसंद आया है तो नीचे मैंने सेल्फ मोटिवेशन विद चिट्स, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके फाइंड करें और वहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और भी मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकती हूँ, अगर आप लोगों का मुझे प्यार मिलेगा तो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।